हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल ब्राइडल के लिए बहुत ही खूबसूरत सा जुड़ा बताने वाली हूँ एंड आप इंडियन वेयर पे ये जुड़ा बना सकते हो और बहुत इजी वे में ब्राइडल के लिए बेस्ट जुड़ा है और बहुत पतले भी बाल हैं तो बहुत अच्छा सा इसका लुक बन के रेडी होगा छोटे डोनट बन की मदद से बनाएंगे और ये जो आई मेकअप लुक है इसका वीडियो अपलोड हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो जाकेट चेकआउट जरूर कर लीजिएगा डबल विंग के साथ काफ़ी प्यारी लगती है ये आई आ, आई लुक इसमें सिर्फ लाइनर लगाना है और थोड़ा थोड़ा कलर अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगा लोगे इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है तो बहुत कम का लुक आने वाला है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये आई मेकअप लुक इसका वीडियो जा चुका है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल तो ये मेरी डमी है इनका हेयर मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है एंड कॉम करके आपको एक रबड़ बैंड लेना है एंड रबड़ बैंड से अच्छे से एक पोनी बनानी है तो यहाँ पर रबड़ बैंड लगा रही हूँ मैं एंड मैंने बताया था सिक्स फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल एंड मेकअप हाइलाइटर कॉन्टोलिंग कैसे करनी चाहिए उसकी वीडियो जा चुकी है अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा और जो जो फ़ेस शेप मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हेयर स्टाइल एंड मेकअप और कॉन्टोल वगैरह बताने वाली हूँ आने वाली वीडियोज़ में तो आज का आज मेरा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था तो इसलिए मैंने डमी पे हेयर स्टाइल बनाया है और काफ़ी प्यारा हेयर स्टाइल है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए पोनी तो मैंने यहाँ पे बना ली है पोनी बनाने के बाद आपको करना क्या है मैंने यहाँ पे पोनी बनाने के बाद हेयर स्टाइल टूल्स ढूंढ रही थी बट तो वो मिला नहीं तो मैंने फिंगर से ही इस तरीके से हेयर को निकाला है एंड इन आ, कुछ इस तरीके का लुक बनाई ध्यान से देखते जाइए इस तरीके से थोड़ा सा हेयर को लेना है टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और थोड़े थोड़े हेयर के पार्ट्स लेके लेयर ले लेके इस तरीके से इसके अंदर से पोनी के हेयर को उठाना है इस तरीके से और स्कैल्प के हेयर को पोनी के जस्ट ऊपर वाले हेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे हेयर स्टाइल टूल है तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से हो जाएगा बट मेरे पास नहीं मिल रहा था तो आपके पास भी नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो अब ये दोनों पार्ट्स को ऊपर की तरफ छोड़ देंगे एंड सेकेंड सेकेंड लेयर लेंगे दोबारा से और दूसरी साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे हेयर स्टाइल टूल है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो बट अगर अगर आपके पास हेयर स्टाइल टूल नहीं है तो आप इस तरीके से फिंगर को हेयर के नीचे से इंसर्ट करोगे और थोड़ा सा लेयर लेके बालों का इस तरीके से निकाल लेंगे दोनों साइड से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर फिंगर इंसर्ट करके और हेयर पोनी के हेयर को लेंगे और इसके नीचे से इस तरीके से निकालना है देखिए इस तरीके से हेयर को पकड़ना है और यहाँ से फिंगर को इंसर्ट करना है दो फिंगर इंसर्ट करेंगे उसके बीच में ये पोनी के हेयर को लेंगे और इस तरीके से खींच लेना है और हेयर स्टाइल टूल होगा तो ये बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बट मेरा गुम हो गया था भी मिल नहीं रहा था तो मैंने इस तरीके से फिंगर की मदद से किया था फिर दूसरी साइड से भी इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट किया उसके बाद मैंने डोनट बन नीच में, बीच में लगा दिया और मेरा यहाँ पे वीडियो ऑफ हो गया था तो नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगी और इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर लेके जो पोनी था उसके नीचे मैंने डोनट बन लगाया था और उसके बाद हेयर को इस तरीके से फ्रेंच ब्राइड सॉरी थोड़े थोड़े लेयर्स लेके इस तरीके से चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था और इस तरीके से पूरा जितना भी बाल है उसकी चोटी बना लेंगे नीचे तक तो इस तरीके से मैं चोटी बनाते जा रही थी थोड़ा थोड़ा लेयर लेना है और भी सेंटर में बिल्कुल इस तरीके से लगाते जाना है सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पे जा सकते हो प्रीत तिवारी टू सेकंड चैनल का नेम है वहाँ पे सिलाई से रिलेटेड छोटी छोटी बारीकियाँ जो मिस्टेक करते हैं हम लोग वो सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ और पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ड्रेस डिजाइनिंग भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग ड्रेस डिजाइनिंग तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा तो आज का जो हेयर स्टाइल है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अभी ऐसा दिख रहा है पूरा फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको बनाना है और किस तरीके से सारे लेयर्स को सेट करना है आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और पूरा एंड तक मैंने इस तरीके से गूँथ लिया है चोटी को ओके उसके बाद गूँथने के बाद से आपको करना क्या है आपको पोनी के जो चोटी आपने बनाई है उसके सारे बालों को एक साथ इस तरीके से रखना है और सिंपल चोटी करके इसको पूरा एंड तक गूँथ देंगे घुटने के बाद आपको इस तरीके से राउंड राउंड मोड़ना है एंड डोनट बन के अंदर इसको सारे को इंसर्ट कर लेना है और जो लेयर्स हमारे कम पड़े हैं उनको इस तरीके से सेट कर लेना है ताकि जो लुक है वो परफेक्ट आ जाए और यहाँ पे मेरे पास ए, 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 बन डेकोरेट करने वाले पिंस नहीं थे तो मैंने कैसे किया है वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा अब यू पिन की मदद से इसको अच्छे से सेट से कर लेंगे ओके इसी तरीके की बहुत सारी अमेजिंग और इजी बन हेयर स्टाइल के वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और जितने यू पिन आपको लगाने हैं उतने आप लगा लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे हेयर डेकोरेटिंग के लिए कोई पिन नहीं था तो मैंने अपने ईयर से कुछ इस तरीके का इसको डेकोरेट किया था ध्यान से देख लीजिएगा वाह तो इसको इस तरीके से करने के बाद आपको जितने यू पिन की नीड हो उतने उतना आप यहाँ पे लगा दीजिएगा ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लगाया मैंने तो सिर्फ वीडियो के लिए बनाया है लेकिन आपको अगर वेडिंग में बना रहे हो कहीं जा रहे हो तो अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा कि खुले नहीं और साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा बहुत अच्छा लगेगा साड़ी पर ये और दुल्हन के लिए आपको कुछ जुड़ा जुड़ा समझ में नहीं आ रहा तो फ्रंट में आप जो हेयर स्टाइल दिए हो दे दीजिए एंड बैक में आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो और इसको गजरे एंड यू पिन से डेकोरेट कर सकते हो काफी प्यारा लगेगा तो इस तरीके का लुक आया था इसको बनाने के बाद से तो सारी तरफ से मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसा लुक आया है इसका ये देखिए बैक से कुछ इस तरीके का लग रहा है जहाँ से आपको इसका डोनट दिख रहा हो उसको आप इस तरीके से हाइड कर लीजिएगा अच्छे से बन के हेयर से और इस तरीके से मैंने अपनी दोनों ईयरिंग्स ली थी एक डे यूपिन था मेरे पास रोज फ्लावर का उसको सेंटर में लगाया था एंड ईयर को इस तरीके से इसके अंदर फँसा दिया था और काफ़ी अच्छे से ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और जो भी ऊपर का हेयर अच्छे से नहीं दिख रहा था वो डेकोरेट करने की वजह से काफ़ी प्यारा लग रहा था बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आई होप कि आपको वीडियो पसंद हो हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रात को आठ से दस बजे के बीच में लाइव आती हूँ आज नहीं आ पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी आज तो आज मैं लाइव नहीं आ पाई कल फिर आऊँगी इसी टाइम पे लाइव तो आज मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया वीडियो देख लीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल कमेंट जरूर कीजिए और जिन जिन लोगों ने ट्राई किया वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और भी इस तरीके की वीडियोज़ एंड ब्यूटी पार्लर को से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए और सीखने के लिए सेकेंड चैनल पर जरूर जाइएगा सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और ये मेकअप लुक अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा मेकअप तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया था बस इसमें मैंने बताया था फेयर स्किन पे डार्क सर्कल को डार्क स्पॉट्स को कैसे हाइड करेंगे एंड इस तरीके का विंग आईलाइनर कैसे लगाना है एंड आईब्रो फील करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताया था तो वीडियो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा आई लेसेज मैंने लगाए नहीं हैं ये आई लेसेस मैंने फ़िल्टर से यूज़ किया है बाकी कुछ भी फिल्टर नहीं है इस कैम इस वीडियो में बिल्कुल इस तरीके से ओरिजिनल आप जाके वीडियो चेक कीजिए बिल्कुल ऐसा ही लुक आया था इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है बस आई लेसेस लगाया है मैंने फ़िल्टर से क्योंकि आई लेसेस की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी है, तो जाके चेक कर लीजिएगा कि आई लेसेस लगाने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से आप कितने साइज़ की आँखों पे किस तरीके से कट करना है कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं आई लेसेस लगाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय